हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर्स स्केल 1 का जो एग्जाम खत्म हुआ उसका कितना कट ऑफ जाने का संभावना है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो मेरे संपर्क में है वो कुछ लोग स्टूडेंट्स कॉमेंट करके अपना अटेम्प्ट भी बताए और कुछ से मैंने डिस्कस भी किया, तो ये सब चीजों से जो है ये जानकारी मिली कि इस बार जो है नए इंटरफेस का जो इस्तेमाल किया गया वो टाइम टेकिंग था। तो जब नया इंटरफेस टाइम टेकिंग था तो जाहिर सी बात है कि अटेम्प्ट तो कम होंगे, तो कम अटेम्प्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन चल गया और वो अपने आप को एग्जाम से बाहर समझ गए। अब वो सब स्टूडेंट यही समझ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पिछला मेंस भी लिखने वाले हैं, इंटरव्यू भी देने वाले हैं, उस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब एकदम फाइनल सिलेक्शन के कगार पे हैं, उनका किसी कारण से नहीं हुआ। वैसे स्टूडेंट्स भी जो है कम अटेम्प्ट करके अपने को मान रहे हैं कि वो रेस से बाहर हो। तो जो भी डिस्कशन है जो मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ या फिर जो अलग अलग चैनल के द्वारा जो पोल कंडक्ट कराया गया वो सब का विश्लेषण एनालिसिस के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर जो कोई 45 अटेम्प्ट किया है उसके इवन नीचे भी, तो 45 अगर अटेम्प्ट आप किए हैं तो आप अपने को रेस से बाहर मत समझ, क्योंकि ये कम अटेम्प्ट होने का कारण एक नया इंटरफेस है, उसकी वजह से कम अटेम्प्ट हुआ है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी रहा है, और इसके वजह से भी देखिएगा अगर 45 विथ एक्यूरेसी के साथ अगर आप करते हैं अटेम्प्ट तो देखिएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन में 5 to 7 मार्क्स जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो है अटेम्प्ट बढ़ करके जो है 54-55 तक मतलब स्कोर जा सकते हैं। तो अगर 45 प्लस है तो आपका हो सकता है इसकी संभावना मान करके, और फिर आप 14-15 दिन है अभी, तैयारी कीजिए मेंस की, मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में जो है आप देखिएगा अभी जो स्थिति है अगले 3 महीने तक हर संडे सैटरडे को एग्जाम होने वाला है, जान लीजिए, तो हर संडे सैटरडे को एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जो है अब उसमें पीटी भी होगा मेंस भी होगा, दोनों तरह के एग्जाम होंगे, तो आप दोनों तरह के पीटी और मेंस की तैयारी भी साथ साथ कीजिए। और इसलिए जो है मेंस की तैयारी में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका जीके का, तो जीके के लिए आपको पहले से भी मैं जो है करेंट अफेयर्स पर देखिए 2-3 तरह का मैं वीडियो बनाता हूं, एक फुल लेंथ करेंट अफेयर्स का टॉपिक्स रहता है उसमें फुल लेंथ, फिर उसके बाद से एक होता है करेंट जीके, तो करेंट जीके का वीडियो आप देखें, फिर एक होता है ऑब्जेक्टिव करेंट जीके, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं करेंट जीके के, तो वो वीडियो है। फिर इसके अलावा लेटेस्ट हुज इन हु, अद्यतन कौन क्या कहा, ये पूरा आप नेशनल है इंटरनेशनल है ये सब देखिए, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है तो वो सब देखिए, फिर बैंकिंग और फाइनेंस पे जो है वीडियो देखिए, बैंकिंग फाइनेंस पे वीडियो देखिए। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज जो है लगभग 60-70 वीडियोस जो है मेरे हैं करंट अफेयर्स पे और बैंकिंग अवेयरनेस पे, तो सब कंप्लीट आप उसको देखिए, तो फिर उसको उससे आपको ज्यादा जो है बेनिफिट होगा, फायदा होगा। डेली 2-4 आप वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, और मेंस की तैयारी में जीके पे आप डेली अगर 2 घंटा फोकस कर लीजिएगा तो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर के सेक्शन पे आपको जोर देना चाहिए, कंप्यूटर का जो है स्टडी मटेरियल जो है स्टडी करना चाहिए आपको, फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्चुअल होता है, और 40 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का स्कोरिंग होता है, तो उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए मेंस एग्जाम में। बाकी जो आप पीटी में इंग्लिश और ये सब जीके और सॉरी रीजनिंग और मैथ कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए, और
वो तो मिन्स में भी काम करेगा, पीटी में भी काम करेगा, तो अभी तो पीटी भी लगातार एग्जाम होंगे, फिर मेंस होंगे, कभी भी आईबीपीएस का सॉरी एसबीआई का रिजल्ट आ सकता है, तो वो भी उसका भी आपको तैयारी करना है। तो इसीलिए जीएस पे फोकस कीजिए, और मैंने इसके लिए 65 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो सबको जा करके देखने का प्रयास कीजिए, समय गवाइए नहीं, और फिर इसी तरह का मैं वीडियो बना करके आपसे कम्युनिकेट करते रहूंगा। और फिर मैं और भी करंट अफेयर्स, अब वो सब टॉपिक्स पे ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, और फिर स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी आप देखिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, नमस्कार।